हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत एन अकेडमी पे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस में ही आज हम थोड़े आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, कुछ टर्म्स होती है हमारे पास, सीपी, एसपी, एमपी। मैं आपको सीपी एसपी के बारे में बता चुका हूँ, एमपी इसमें आएगा नया, ठीक है। देखिए, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, जितने जितने में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट आर्टिकल वस्तु कुछ भी खरीदी हो, जैसे ही उसमें प्रॉफिट जुड़ जाता है तो हमारे पास क्या आता है, एसपी। और सीपी में से सीपी में कुछ परसेंट हम बढ़ाकर उस आर्टिकल के ऊपर लिस्ट कर देते हैं तो वही क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। सपोज कीजिए मेरे को कोई कोई वस्तु मैंने 100 रुपीज की खरीदी, ठीक, मैंने उसका प्राइस उस आर्टिकल पे 150 लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस। और मार्क्ड प्राइस में से ही हम क्या देते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट। कोई भी शॉपकीपर मार्क्ड प्राइस के ही कुछ परसेंट का क्या देता है, डिस्काउंट देता है, ठीक। तो मैं ये कहूं कि मार्क्ड प्राइस में से जब मैं डिस्काउंट को माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो देखिए, तो डिस्काउंट क्या हो गया हमारे पास, डिस्काउंट हो गया मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू 100। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। अब तो एसपी होता है हमारे पास मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है, या फिर मैं ये लिख सकता हूं एसपी होता है, देखो अगर ये डिस्काउंट, ये तब है जब डिस्काउंट रुपीज में दे रखा हो, ये भी रुपीज में हो, दोनों रुपीज में डिफरेंस आ जाएगा हमारा एसपी, लेकिन डिस्काउंट कभी कभी परसेंटेज में दिया होता है। तो मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, तो तब एसपी कुछ इस तरह निकल जाता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन सबसे ज्यादा आसान लिया है मैंने, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1000 एंड द रेट ऑफ डिस्काउंट इज 20%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 1000 रुपए, रेट ऑफ डिस्काउंट है 20%, सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस मैंने अभी अभी आपको बताया, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, तो इससे निकाल सकते हो सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस है 1000 इनटू 100 माइनस डिस्काउंट है 20% अपॉन में 100, तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1000 इंटू में 80 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 800 रुपीज, ठीक है। या दूसरी तरीके से अगर आप इसको करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 1000 रुपए आपके पास मार्क्ड प्राइस है, 20% डिस्काउंट है, इसका 20% निकाल लो। अब देखो, किसी का भी 10% 20% निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, लास्ट का एक जीरो हटा दो, ये हो गया 10%, तो इसका 10% कितना आ गया, 100, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 200, ये कितना हो गया, ये 20% हो गया भाई, लास्ट का एक जीरो हटाया तो हो गया 10%, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 20%। अब इस 1000 में से ये 200 माइनस कर दो, ये आपका 800 आंसर आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाइल सेलिंग टू द रिटेलर अ कंपनी अलाउज 30% डिस्काउंट ऑन एमपी, डिस्काउंट भी है यहाँ पे, ठीक है, कि एक रिटेलर को बेचते टाइम एक कंपनी 30% का डिस्काउंट अलाउ करती है मार्क प्राइस पे, इफ द रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट एट एमपी, अगर जो रिटेलर है वो मार्क प्राइस पर ही बेचने लग जाए, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। देखिए, इसको बड़ा आसान तरीके से करेंगे, मैंने मान लिया 2 मिनट के लिए कि एमपी हमारे पास है 100, मार्क प्राइस है 100, तो जो सीपी होगा, सीपी होगा रिटेलर के लिए, क्योंकि जितने में कंपनी बेचेगी उतने में तो वो खरीदेगा, तो रिटेलर के लिए जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 70, कैसे 30% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 70 रुपए इसका सीपी हो गया। और एसपी जो है रिटेलर का, एसपी जो है वो है 100, क्योंकि वो मार्क प्राइस पर बेच रहा है, वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है, तो उसका एसपी कितना हो गया, 100। अब देखिए, हमें कहता है उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, पहले तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसका,
70 रुपए का खरीद के 100 में बेच रहा है, 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 30 रुपए का प्रॉफिट, सीपी कितना था 70 × 100, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 300/7%, जिसे मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखूं तो 42 6/7%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, मैंने मार्क प्राइस ही 100 रुपए मान लिया, मतलब कोई भी आर्टिकल है उसका मार्क प्राइस है 100, कंपनी उसे 30% डिस्काउंट पर दे रही है, तो कंपनी दे रही है 70 रुपए का, और वो सीपी रिटेलर के लिए हो जाएगा 70, और रिटेलर जो है वो 100 का बेच रहा है, वो मार्क प्राइस पर ही बेच रहा है, 30 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है यहां से, तो प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया उसका प्रॉफिट परसेंट। चलिए नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट, या सक्सेसिव डिस्काउंट भी कहा जाता है इसको। कभी-कभी क्या होता है कि शॉपकीपर आपको सक्सेसिव 2 या 3 डिस्काउंट्स देता है, कहता है कि एक आर्टिकल आप खरीदेंगे तो इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, पहला मिलेगा एक्स परसेंट का, उसके बाद मिलेगा वाई परसेंट का, तो इन 2% के इक्वल एक सिंगल डिस्काउंट मुझे निकालना है, इन 2% के इक्वल एक सिंगल डिस्काउंट मुझे निकालना होता है, तो इन दोनों परसेंट्स के लिए जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट है उसका एक हमारे पास छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है, ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है इसके लिए। तो देखिए, जैसे पहला मैंने क्वेश्चन लिया है 20% एंड 10%, कि मतलब पहले मुझे 20% का डिस्काउंट मिला, उसके बाद 10% का डिस्काउंट मिला, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट परसेंट, इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट होगा, देखिए 20 + 10 - 20 × 10/100, ये हो गया 30 - ये हो गया 2, तो ये आ जाएगा 28%, ठीक है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आता कैसे है, 20 और 10 का जो 28% आया ये आता कैसे है। सपोज 100 रुपीज का कोई आर्टिकल है, ठीक है, पहले उस पर 20% का डिस्काउंट मिला, तो 20 माइनस कर देंगे तो कितने कितना बचेगा उसका अमाउंट, 80, ठीक है। अब जो 10% डिस्काउंट मिलेगा वो इस पे मिलेगा, ना कि इस पे, तो इस पे जो 10% मिलेगा वो 8 रुपए मिलेगा, और 80 में से 8 जाएंगे तो कितना अमाउंट बचेगा, 72 रुपीज, यानी कि अल्टीमेटली 100 रुपीज वाला जो आर्टिकल था वो हमें कितने का मिल जाएगा, 72 का, तो आप इससे इसको कंपेयर करो तो ये आएगा 28%, ठीक है। तो बस इसी तरीके से 20 और 10% का जो इक्वल डिस्काउंट है वो कितना आ गया, 28%। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये 40 और 30, तो 40 + 30 - 40 × 30/100, तो ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 58%, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन हमारा जो ये वाला है 50 और 30 का, कर सकते हैं हम इसको ऐसे भी, 50 + 30 - 50 × 30/100, ये कितना हो जाएगा 80, और माइनस ये ऐसे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 15, ये आ गया 65%। अच्छा, जब भी कभी दो डिस्काउंट्स में एक एक जो डिस्काउंट हो 50% हो, तो उसको करने का तरीका देखो, एक जो डिस्काउंट अगर है 50% है, मतलब 50% के साथ कोई दूसरा डिस्काउंट है, तो क्या होगा, मैंने मान लिया कि 50% है और एक है x%, तो इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है 50 + x/2, ठीक है, 50 + x/2, तो ये तो आ गया 50 का 50, ठीक है, और जो 30 था 30 को मैंने हाफ कर दिया, तो 30/2 कितना हो जाएगा 15, तो 50 में 15 जोड़ूंगा 65 आ जाएगा, ठीक है। 50 और 40 ले लीजिए, 50 और 40 ले लीजिए, तो 50 तो 50 है ही, प्लस में 40 का हाफ कितना होता है 20, तो ये आ जाएगा 70%, ठीक है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 50 + 40 - 50 × 40/100, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अ शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स एट 40%
10% above the CP and gives 20% discount on market price. What is his profit percent? कहता है कोई शॉपकीपर कोई दुकानदार अपने गुड्स को सीपी से 40% ज्यादा मार्क कर देता है और अपने कस्टमर को 20% का डिस्काउंट देता है मार्केट प्राइस पे, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? देखिए इसे पहले बेसिक से मैं आपको समझा दूं कि 100 रुपए का उसका कोई भी 100 रुपए का उसका मतलब गुड्स है उसका, तो 40% वो अबव मार्क करता है, यानी कि 140 रुपए मार्क प्राइस है उसका, ठीक है। अब 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, 20% का डिस्काउंट मतलब इस पे देगा 20% का। मैंने आपको अभी बताया किसी का भी ये 140 है, लास्ट का जीरो हटा दिया तो ये आ गया 10%, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 28% ये आ जाएगा इसका 20% 28 रुपीज। अब 28 रुपीज का डिस्काउंट वो दे रहा है तो कितना बचेगा, 112 रुपए बचेंगे, यानी कि 100 रुपए वाली चीज को वो 112 में बेच रहा है, तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, 12% का। 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस थी और सेलिंग प्राइस है 112, तो 12% का प्रॉफिट आया, ठीक है। अब इसको और एक तरीका और है इसका करने का, देखिए इसको करने का एक तरीका और है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। पिछले वाले में यहां पर बस प्लस था, इसमें यहां पे माइनस है। देखिए कैसे करेंगे कि x होता है ये वाला परसेंटेज और y होता है दूसरा वाला परसेंटेज, तो ये 40 माइनस 20 माइनस में 40 इंटू 20 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 20 माइनस ये कितना आ जाएगा 4 टू जा 8, यानी कि 12% हमारा आंसर आ गया, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया है, बस परसेंटेज चेंज कर दिए हैं कि शॉपकीपर 20% अबव मार्क करता है सीपी पे और 10% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो इसे डायरेक्ट करेंगे कि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इस फॉर्मूले से करेंगे डायरेक्ट। देखो 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन में 100, तो यह आ जाएगा 10 और माइनस में 1, 2, 1, 2, 2, यह आ जाएगा हमारा 8% का प्रॉफिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।